ने है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट। प्राइसिंग अगर आप गाड़ी की देखेंगे 9,70,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ में ये मॉडल आपको पड़ता है। पेट्रोल मैनुअल मॉडल है ये। एक तरीके से अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको प्योर वेरिएंट के अंदर अभी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज एक तरीके से फीचर्स का की अगर आप देखेंगे ना इस मॉडल में कुछ इस प्रकार से की आपको मिलती है। इसमें फ्लिप वाली की आपको मिलेगी, लॉक अनलॉक के बटन से और फॉलो मी हेडलाइट्स का भी फंक्शन आपको गाड़ी के अंदर कुछ देखने के लिए मिलता है। प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में की है और लुक्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है गाड़ी। रोड प्रेजेंस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सही ये लगती है जो नया डिज़ाइन इसमें अभी दिया हुआ है। पेट्रोल मैनुअल ये वेरिएंट है। 9,70,000 एक्स शोरूम प्राइसिंग आपको पड़ती है। सामने की तरफ आपके पास में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नया फेस, नया ग्रिल आपको यहाँ पर देखने मिलता है। टर्न इंडिकेटर जो है फ्लोटिंग टाइप में है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। कंप्लीटली LEDs में लाइट्स है आपके पास में, यहाँ पर आप देख सकते हैं LEDs का सेटअप है। किसी भी प्रकार का फॉग लाइट्स वगैरह का सिस्टम आपको नहीं मिलता है। एयर वेंट्स भी है जिसके अंदर से हवा जाती है और लुक्स में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। सामने की तरफ से तो मतलब टॉप मॉडल वाला ही लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें साइड में अगर आप आएंगे ना तो साइड की तरफ से ये कुछ कम्प्लीटली प्रोफाइल है। गाड़ी के ओवर बीएम्स अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल वाले ओवर बीएम्स LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में आते हैं। फोल्डेबल वाला फंक्शन नहीं है लेकिन इसमें वो आपको यहाँ पर जरूर मिसिंग मिलेगा। व्हील्स अगर आप देखेंगे इसमें कम्प्लीटली 16 inches की व्हील्स है आपके पास में जो कि प्लास्टिक डिकल्स के साथ में आते हैं। अलॉय व्हील अगर आप चाहे तो लगवा भी सकते हैं। फिलहाल प्योर वेरियंट में आपको प्लास्टिक में डिकल्स मिलते हैं। कम्प्लीटली क्लैडिंग्स वगैरह भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, डोर्स के ऊपर हो या फिर टायर्स के ऊपर जो भी कुछ क्लैडिंग्स अगर आती है, जैसे कि एक स्क्रैचेस से काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्शन होता है। बाकी ये कुछ कम्प्लीटली साइड का प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने मिलता है प्योर वेरिएंट का। बैक की तरफ से तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लगती है। गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है ये भी काफ़ी शानदार लेवल का आपको मिलता है। 208 mm का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है टाटा नेक्सॉन का। पीछे के जो इसके व्हील्स है ना इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सामने की तरफ आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है कम्प्लीटली आपको 44 liters का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ऊपर की तरफ प्योर वेरिएंट में रूफ रेल्स वगैरह भी आपके पास में शार्क फिन आपको मिलता है ब्लैक फिनिश के अंदर। गाड़ी का जो रियर स्पॉइलर है ये भी आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलता है जो काफ़ी सही यहाँ पर लग रहा है। और इसके जो टेल लाइट्स अगर आप देखेंगे ना कम्प्लीटली कनेक्टेड में LEDs में टेल लाइट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। कनेक्टेड LEDs में लाइट्स आपको कम्प्लीटली यहाँ पर दिए गए हैं। क्रिस्टल इफेक्ट के साथ में आते हैं। टर्न इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपको मिल जाते हैं। अभी प्योर वेरिएंट के अंदर जो है ना दो इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा पीछे का लुक है गाड़ी का। अगर आपको बूट खोलना है ना गाड़ी का तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का बटन वगैरह नहीं है। रिवर्स कैमरा भी आपको इस वेरिएंट के अंदर मिसिंग मिलता है। गाड़ी का पीछे का टेलगेट अगर आपको खोलना है ना तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है, यहाँ पर आपको टच वाला बटन इसमें मिल जाएगा। अंदर से जो है आप इसका बूट खोल सकते हो। और बूट स्पेस की अगर हम इसमें बात करें 382 liters का बूट स्पेस है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको नेक्सॉन यहाँ पर ऑफर कर रही है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर बन जाती है। किसी भी प्रकार का पार्सल ट्रे वगैरह आपके पास में यहाँ पर नहीं है। 12 volt का चार्जिंग स्लॉट भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। स्पेयर व्हील आपको जो है ना इसका यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह इसमें जो कुछ है यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम अभी क्लोज करते हैं और काफ़ी हेवी है गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है ये काफ़ी हेवी लेवल की यहाँ पर आपको फील होने वाली है। गाड़ी का ये कुछ कम्प्लीटली साइड का प्रोफाइल आपको मिलता है। गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ में तो आती है। सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको ऑफर कर रही है टाटा नेक्सॉन। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल और टोटल जो है ना गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आपको ऑफर करी गई है बेसिक वेरियंट से ही। तो ये जो फीचर्स है गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेफ बना रहे हैं। एक्सटीरियर में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है गाड़ी का। इंटीरियर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ प्योर वेरिएंट का। यहाँ पर जो है ना आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स यहाँ पर जो कुछ देखने को मिलते हैं। गाड़ी का इंटीरियर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली एक फ्यूचरिस्टिक सा इंटीरियर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 2-spoke वाला स्टेयरिंग व्हील है कम्प्लीटली आपके पास में। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल्स है सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर जो है ना मिरर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल ओवर बीएम्स के कंट्रोल है। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल से पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स है आपके पास में। यहाँ पर आपके पास में बॉटल होल्डर्स के लिए स्पेस है और अम्ब्रेला होल्डर भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। और सीट्स अगर आप देखेंगे डुअल टोन वाली सीट्स है आपके पास में। फैब्रिक में सीट्स आती है इस वाले वेरिएंट के अंदर। सीट्स का जो सपोर्ट है और जो कुशनिंग वगैरह है ये काफ़ी अच्छी लेवल की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अंदर जब आप बैठते हो ना नेक्सॉन के अंदर तो काफ़ी ऊँचा आप बैठते हैं। एक तो कम्प्लीटली बोनेट आपको अंदर की तरफ से थोड़ा बहुत विजिबल यहाँ पर होता है और क्वालिटी वगैरह जो है अच्छी खासी लेवल की आपको नेक्सॉन यहाँ पर जो कुछ ऑफर यहाँ पर कर रही है। स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं 2-spoke वाला स्टेयरिंग व्हील प्योर वेरिएंट में आपको दिया हुआ है। हॉर्न जो है ना
कुछ इस प्रकार से आपको इसमें मिलता है। गाड़ी का लोगो आप देख सकते हैं, कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड वाला लोगो आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल। गाड़ी अगर आप बंद करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इस तरफ आपके पास में क्या कंट्रोल्स है, इस तरफ फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड के सारे कंट्रोल्स आपको इस तरफ ये यहाँ पर मिल जाते हैं। एक तरीके से म्यूजिक सिस्टम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ जो है ना अंदर जो MID आता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं। अंदर आप देख सकते हैं इस तरफ आपको ये RPM वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है, इस तरफ टेम्परेचर, फ्यूल गेज वगैरह आपको सभी बताएगा। MID को जो है आप इस बटन के जरिए यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। MID के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली डिजिटल में स्पीड आपको ये बताएगा, टाइम बताएगा, यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी जैसे कई सारे फंक्शंस आपको ये यहाँ पर बताता है, और कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर्स तक कार चल सकती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी जैसे कई सारे फंक्शंस आपको ये MID के अंदर यहाँ पर बताता है। इस तरफ आपके पास में वाइपर्स के कंट्रोल, इस तरफ आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के भी कंट्रोल आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्योर वेरिएंट के अंदर हरमन का ये सिस्टम है। 4 स्पीकर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की भी कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर जो कुछ है मिली जाती है। ब्लूटूथ वगैरह भी ये सपोर्ट करता है। अभी रिवर्स कैमरा आप गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। वैसे पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। सेटिंग्स में अगर आप आएंगे ना तो ब्राइटनेस वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको ये यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर सभी कनेक्टिविटी है आपके पास में, और डिस्प्ले को भी अगर आप चाहे तो बंद करवा सकते हो। पार्क असिस्ट का भी फंक्शन है, अगर आप इन फ्यूचर गाड़ी में कैमरा लगाते हो तो वहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिखाएगा। नीचे अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर सभी AC के कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। AC के जो कंट्रोल्स हैं ना, कम्प्लीटली टच पैनल आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हेजार लाइट्स ऑन है ना, तो इसे हम अभी बंद कर देते हैं। सिर्फ आपको टच करना होता है, कुछ इस प्रकार से ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आपके पास में लॉक ऑन लॉक के कंट्रोल्स है, सभी बूट खोलने का भी बटन है, और AC के कंट्रोल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लेवल के आपको यहाँ पर जो कुछ देखने के लिए मिलते हैं। फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक के भी ऑप्शन आपको वेरिएंट के अंदर जो कुछ मिल जाएंगे। तो अभी अंदर अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है आपके पास में, USB का भी पोर्ट आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आपको मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। यहाँ पर कुछ ऐसे 3 मोड्स हैं और इकोनॉमी ड्राइव मोड वॉइस असिस्टेंस के साथ में आता है, और लेकिन वॉइस असिस्टेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो है इसका। यहाँ पर आपके पास में ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस है, और पीछे के पैसेज के लिए AC के वेंट्स भी आपको इस वेरिएंट के अंदर जो कुछ है मिल ही जाते हैं। और गाड़ी का ग्लो बॉक्स अगर आप देखेंगे सामने की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डीप वाला ग्लो बॉक्स है आपके पास में। यहाँ पर काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर ग्लास होल्डर्स के लिए भी जगह वगैरह आपको इसमें मिल ही जाती है। कंप्लीटली 6 एयरबैग्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलती है। ऊपर लाइट्स के रिलेटेड सभी कंट्रोल से, पैसेंजर साइड वैनिटी जिसमें मिरर भी आपको मिलता है, ड्राइवर साइड वैनिटी जिसमें मिरर आपको नहीं मिलेगा। 6 एयरबैग से गाड़ी के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरबैग्स की साइन आती है। पीछे का व्यू कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो कुछ है देखने के लिए मिलता है। अभी पीछे की सीट्स पर हम चलते हैं, पीछे की सीट्स पर देखते हैं क्या कैसा कुछ फील आपको मिलता है पीछे की सीट्स पर। पीछे की डोर का डिज़ाइन देखेंगे, ब्लैक और बेज का थीम आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर विंडोज के कंट्रोल है, और पीछे जो है ना एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट आपको यहाँ पर जो कुछ मिल जाते हैं। अगर हम इसमें अंदर की तरफ बैठेंगे ना तो नेक्सॉन की जो सीट्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर पीछे के जो पैसेज हैं उनके लिए AC के वेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, और किसी प्रकार का चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पीछे की तरफ से फ्रंट व्यू अगर आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कम्प्लीटली आइवरी शेड आपको मिलता है ऊपर की तरफ, और ग्रैब हैंडल्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। आइए गाड़ी का फ्रंट बोनेट हम यहाँ पर अभी खोल कर देखते हैं। इंजन ऑप्शंस की अगर हम इसमें बात करें तो टोटल 2 इंजन के ऑप्शन आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बोनेट अगर हम इसमें खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बोनेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेवी है। कम्प्लीटली डैम्पनिंग वगैरह भी आपको मिलती है। 1200 cc पेट्रोल इंजन अभी आप ये देख रहे हैं। बोनेट को हम अभी क्लोज करते हैं। टोटल 2 इंजन के ऑप्शन आपको मिलते हैं नेक्सॉन के अंदर। 1200 cc 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपने अभी ये देखा, जो कि 120 PS की पावर बनाता है। 17 KMPL का माइलेज आपको पेट्रोल में मिलेगा। डीजल जो इंजन है इसका 1500 cc 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी आता है, जो कि 115 PS की पावर बनाता है। डीजल में 20 KMPL का माइलेज आपको मिलेगा। अभी ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम बात करें प्योर वेरिएंट की, तो 11,40,000 रुपीज़ तक का ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ेगा पेट्रोल मैनुअल के साथ में। अगर आपको सनरूफ लेनी है, प्योर S करके आता है वो, इस मॉडल के मुकाबले 50,000 महंगा आता है। तो सनरूफ अगर आपको चाहिए गाड़ी में तो उस वेरिएंट की तरफ भी आप जा सकते हैं, इसके ऊपर वाला ही वो वेरिएंट है। बाकी प्योर वेरिएंट आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और कौन से वेरिएंट्स की मतलब रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ज़रूर हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। बाकी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।